वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास चंद स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि जो कंक्लूजन्स दी गई हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अगर हम उन पर नज़र डालें तो पहली स्टेटमेंट हमसे ये कहती है कि एस की वैल्यू आर से बड़ी है। दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आर एल के बराबर है, मतलब जहाँ जहाँ एल का यूजेज हुआ हुआ है वहाँ पर हम आर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है उसको भी हम एल से रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है कि एल की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू से बड़ी है। इन स्टेटमेंट्स को नज़र में रखते हुए हम जो डिडक्शंस बना सकते हैं वो ये है। पहली, कि अगर हम आर की वैल्यू को एल से रिप्लेस कर दें क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, तो S की वैल्यू भी L से बड़ी होगी। दूसरी ये कि R की वैल्यू W से बड़ी है। अब इसमें हमने क्या किया है कि L की जगह हमने R को रख दिया है, जो कि थर्ड स्टेटमेंट है उसमें L को हमने R से रिप्लेस कर दिया है। अगर हम इसके ऑर्डर पर गौर करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि S की वैल्यू फिर L से बड़ी है और L की वैल्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W से बड़ी है। अब जो हमारे पास कंक्लूजन्स दी गई हैं उसमें पहली कंक्लूजन हमसे ये कह रही है कि L की वैल्यू जो है वो S से बड़ी है, जबकि हमने ये देखा है हमारी डिडक्शंस में कि S की वैल्यू L से बड़ी है। इसका मतलब ये वाली कंक्लूजन गलत है क्योंकि L की वैल्यू दरअसल S से छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग W की वैल्यू L से बड़ी है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि L की वैल्यू जो है वो W से बड़ी है और टेक्निकली W की वैल्यू L से जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारे पास गलत है। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। अब हमने इसको जिस तरीके से सॉल्व किया है उसमें हमारे पास आंसर ये आ रहा था कि हमारे पास दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।